أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله। क़ुरान मजीद में खुदावंद आलम यहूदियों की एक पहचान को बयान कर रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन अफराद हैं और इनका मिशन क्या है। अल्लाह सवालिया तौर पे ख़िताब करते हुए कह रहा है कि ऐ अहले किताब यानी यहूदियों, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों सदराह बन जाते हो, मन आमना उन लोगों के जो ईमान लाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर दौर की यहूदियत को अगर पहचानना है तो ये समझ लीजिएगा कि उनकी एक पहचान तो यह है कि वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को मुनहरिफ करते हैं, रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलने नहीं देते। सद कहते हैं जब किसी चीज़ की रुकावट के लिए कोई चीज़ हायल कर दी जाए, उसे सद कहते हैं। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पे रुकावट करते हैं, रुकावट बनते हैं, और यही सिफत खुद शैतान ने अपने लिए कही थी कि मैं तेरे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। यानी ये इस दौर के या इंसानी चेहरों में अगर कोई शैतानियत और इबलीसियत रखने वाला है तो वो यहूदियत है। लिहाजा हमको हर वक्त इनसे मुतवज्जे रहना चाहिए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हत्ता पैगंबर इस्लाम के ज़माने में भी आपस में कबीलों को टकराया है। औस व खजरज इनसे आपस में जब पैगंबर इस्लाम मदीने में आ गए हैं, जब ये मुसलमान हुए हैं, उस वक्त की बात है कि एक यहूदी ने इन दोनों लोगों को आपस में लड़ाया, और लड़ाने के लिए खुद नहीं आया है सामने, बल्कि एक शख्स को तैयार किया है कि जाओ और जा कर के औस के कबीले में बैठो तो ये कहो कि तुम लोगों को याद है कि खजरज के लोगों ने तुम्हारे कितने जवानों को कत्ल किया और आज तुम उनसे दोस्ती रखे हो। खजरज में जाओ, उनके कबीले में बैठ के कहो तुम्हें याद नहीं कि औस के कबीले वालों ने तुम्हारे कितने जवानों को कत्ल किया। तारीख कहती है कि आलम यह हुआ इसका कि मदीने की गलियों में तलवारें खींच के लोग आ गए और आपस में खून खराबे की नौबत आ गई कि पैगंबर इस्लाम, जब लोग घरों से निकले, खुद पैगंबर भी शोर सुन के उनका घर से निकले तो पैगंबर ने कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम फिर जमाने जाहिलियत की तरफ पलट गए। इसका मतलब यह है कि इनका काम यह है कि ये दो हम मजहब वालों को लड़ाते हैं, और लड़ाने के लिए खुद नहीं जाके कहते बल्कि उन्हीं मजहब के कुछ नाफहम अफराद को अपना आलाय कार बनाते हैं और झगड़ा करवाते हैं। आज फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है ये आज सामने है, वरना कल आपस में इन्होंने झगड़ा करवाया है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम मुतवज्जे रहें। इनकी एक पहचान और कुरान ने बयान की है कि ये अहद को तोड़ते हैं, ये अपने मुआहदे का ख्याल नहीं रखते। खुद पैगंबर इस्लाम से यहूदियों के तीन कबीलों से जंग हुई है, उसमें सबब यहूदियत की खयानत है, चाहे वो बनी कुरैज़ा से, चाहे बनी कैनुका से, और चाहे बनी नज़ीर से। ये तीनों लोगों से जंग किस बुनियाद पर हुई है,
खयानत की वजह से इन्होंने पैगंबर के साथ अहद किया, बैत की पैमान बांधा और उसके बाद फिर अपने अहद को तोड़ दिया। लिहाजा ये दूसरी पहचान है कि हमेशा यहूदी पैमान शिकन होता है, लिहाजा उसके किसी बयान पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। ये यहूदियत की अलामत है। और आज मैं फिर आलम इस्लाम के एक एक फर्द से अपील कर रहा हूं कि आज हम क्यों ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, हम सब जमा हो के उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते कि जो हम जैसे मुसलमान भाइयों में न जाने कितने लोगों को कत्ल कर रहा है, रोज असीर कर रहा है, रोज न जाने कितने बच्चों यतीम हो रहे हैं, कितनी ख्वातीन बेवा हो रही हैं, लेकिन इस्लामी ममलिकतें बाज मुमालिक को छोड़ के सब ख्वाब गफलत में पड़ी हुई हैं। ये क्या हो रहा है? हमें मुतवज्जे होना चाहिए। यहूदियत न कल हमारी थी, न आज है, न कल होगी। इसीलिए कुरान ने वाज़े तौर पे कह दिया, खबरदार यहूद और नसारा को अपना वली न बनाना, चाहे दोस्त के माने में चाहे सरपरस्त के माने में। इनसे कभी उम्मीद वफा न रखना। आज अगर क़िबला अव्वल हमारा असीर है, इनके हाथों में है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कुछ नहीं कर सकते? कम से कम अपने यहां बैठ के हम आवाज़े एहतजाज तो बुलंद कर सकते हैं। यौमे कुद्स, खुदा रहमत करे, इमाम राहिल आयतुल्लाह खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह को, कि उन्होंने माह मुबारक रमजान के आखिरी जुमे को यौमे कुद्स का नाम दिया है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आज के दिन अपना एहतजाज रकम करें। आज अगर लॉकडाउन का दौर है, अगर हम अपने घरों में हैं, तो यहाँ से भी हम बैठ के सैकड़ों लोगों को मैसेजेस करते हैं, तो हम कम से कम उस मैसेज में ये जिक्र तो करें, लोगों को पैगाम तो दें, लोगों को बेदार तो करें। हमारी जिम्मेदारी है, हमें चाहिए कि हम जो खतीब हैं, जो उलमा हैं, जो अफाजिल हैं, जो कलम निगार हैं, जो शुआरा हैं, जो अदबा हैं, जिस जो डॉक्टर्स हैं, जिस पेशे और जिस तबके से भी जुड़े हुए हों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा उस क़िबले से एक ताल्लुक़ है। लिहाजा देखिए, वो इंसान के जिसके घर पे कोई दूसरा कब्ज़ा कर ले, वो कुछ नहीं कर पाता, तो कम से कम जिससे मिलता है उससे कहता तो है कि उस शख्स ने ज़बरदस्ती हमारे घर पे कब्ज़ा कर रखा है। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों से कह तो सकते हैं कि यहूदियत ने ज़बरदस्ती क़िबला अव्वल पे कब्ज़ा कर रखा है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम यौम कुद्स में सबकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। आवाज़ उठाना हमारा काम है, एहतजाज करना हमारा काम है, हमारी आवाज़ में असर पैदा करना खुदा का काम है। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमतों का, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अजमतों का वास्ता परवरदिगार, के इस क़िबले को सहयोनिज़्म से और इन सफ़ाक लोगों से आज़ाद कर दे। मेरे परवरदिगार, इमाम के आने से पहले हमारा ये क़िबला आज़ाद हो, ताकि हम इमाम की मईयत में उस क़िबले में भी नमाज़ पढ़ सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।